मैं मोहम्मद साजिद गुज्जर और आप देख रहे हैं साजिद गुज्जर ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैर होंगे। तो दोस्तों आज जो है ये देसी कैमल है। पहले आप जो देखते हैं सिंधी कैमल देखते हैं और मड़ेचे जो होते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये देसी कैमल है और ये मट्टी लेने आए हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो मट्टी जो है वो लेकर जाते हैं। ये यहाँ पर नहर है जो कि काफ़ी गढ़ा है इधर नीचे, वो देखें अंकल जो है वो वहाँ से ला कर इस पर लाद रहे हैं इस कार्ड पर। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ से पुल करेगा। ये देखें काफ़ी मेहनत की जाती है, ये काफ़ी यहाँ पर ये जो गढ़ा है यहाँ से मट्टी जो है उठाकर इस कार्ड पर फेंकी जाती है। आपको बताता चलूँ, रोज़ाना सुबह सुबह ऐसे जो मट्टी जो है वो लाद कर लेकर जाते हैं अंकल। ये मट्टी जो है ये इनके घरों को बनाने के लिए काम आती है। जैसा कि आपको पता है कि गांव में देहातों में अभी भी कच्चे मकान हैं, और जैसा कि बारिशों का मौसम है और उनको बचाने के लिए उनकी रिपेयरिंग के लिए ये मट्टी लेकर जाते हैं इस कैमल पर। ये जी एक एक करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये काफ़ी नीचे से वहाँ पर उठा रहे हैं। ये देखें अभी ये जो मट्टी है वो मुकम्मल हो चुकी है, अब ये यहाँ से खींचेगा। आप देखेंगे किस तरीके से ये वाला कैमल जो है ये पुल करता है। देसी कैमल काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी पावर वाले होते हैं। जो जगह है ये काफ़ी चढ़ाई वाली जगह है और रेत वाली जगह है, यहाँ पर अक्सर कैमल जो हैं काफ़ी मुश्किल पेश आती है उनके साथ। अब ये कच्ची जगह पर आ चुका है और अभी ये घर के पास ही आ चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से सुबह सुबह मट्टी जो वो लेकर आते हैं इस कैमल पर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।